नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम में आज हम सीक्रेट स्टार को सुपर स्टार बनाने के लिए थे बेगूसराय की एक गली में, जहां पर बेगूसराय में मोतिहारी से चलकर मोहम्मद इरशाद जी बांसुरी की धुन पर लोगों को हंसाते मुस्कुराते उनके दिलों को सुकून पहुँचाते, साथ ही साथ अपनी बांसुरी बेचकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी बांसुरी की कुछ सुरीले धुन। तो अभी आपने सुना बांसुरी के आवाज़ में, बांसुरी के धुन में शानदार गीत, जिसको सुनकर दिल को सुकून मिली होगी। जी हाँ, अभी हम बेगूसराय की गली में बांसुरी की धुन से लोगों के मन को मोहित करने वाले बांसुरी वादक से मिले और ये बांसुरी बजाते हैं, लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं और अपना बांसुरी बेचते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? इरशाद आलम। इरशाद जी, आप बांसुरी बजाने की जो ये आदत है या बांसुरी बजाने का शौक कब से है आपको? बजाते बजाते आ गया है। बजाते बजाते आ गया है, कब से ये बांसुरी बजाने का काम कर रहे हैं आप? 8-10 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला से। तो बेगूसराय जिले में कब से आप बांसुरी बेच रहे हैं? बहुत दिन से बेच रहे हैं, इसे तो मुंगेर तक भी जाते हैं, वहाँ भी बेचते हैं। तो दिन भर में कितना बांसुरी बेच लेते हैं? 1500 दिन, एक दिन में 1500 बांसुरी बेच लेते हैं? नहीं, 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये कमा लेते हैं बांसुरी बेचकर, 1000 रुपये कमा लेते हैं। तो बांसुरी ही बेचते हैं कि इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं? बांसुरी बेचते हैं, सिर्फ बांसुरी बेचते हैं। अच्छा, बांसुरी जो बजाते हैं, ये बांसुरी बेचने का जो शौक था, मन में सोचते थे कि बांसुरी ही बेचना है? हम नहीं, ऐसे सोच रहे थे बांसुरी बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बजाते बजाते भी आगे लोगों को सुनाएंगे भी, उनको खुश भी करेंगे और बांसुरी भी बेचेंगे, यानी पैसा भी कमाएंगे और धुन भी गाएंगे। नहीं तो मैं चाहूँगा कुछ और बांसुरी के धुन से, कुछ मीठी धुन हमारे दर्शकों को जो केबी शो के माध्यम से आपको देख रहे होंगे, उन्हें कुछ और मीठी धुन सुनाएं। वाह, क्या धुन है, क्या सुर है, क्या आवाज़ है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। और इनके बांसुरी के धुन जिनके कानों में पड़ते हैं वो खींचे चले आते हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार कन्हैया की धुन से राधा और गोपियां नाचती थी, आज इनके भी धुन को सुनकर बेगूसराय जिले के जिस गली से गुजरते हैं लोग अनायास यहाँ आ जाते हैं। तो ये बांसुरी, एक बांसुरी का कितना कीमत है? छोटा 10 का है, बड़ा वाला 30, 40, 50। अच्छा, आप कौन कौन सा बांसुरी? सभी बांसुरी बजा लेते हैं? सब बांसुरी बजाते हैं। कुछ और मीठे धुन मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को सुनाए, केवी शो के जो दर्शक आपको जो देख रहे होंगे, मैं चाहूँगा कुछ और बांसुरी के मीठे धुन उन्हें सुनाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही बांसुरी के धुन पे लोगों को हंसाते रहे, लोगों को मुस्कुराते रहे, लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाते रहे। मैं चाहूंगा आपकी सारी बांसुरी रोज बिके और आप खुश रहे, आपका पूरा परिवार खुश रहे और हमारे जिले वासी को भी आप खुश करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।